इस क्वेश्चन में द नंबर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पर यूनिट टाइम, यानी कि इज गिवन बाय, ये जो एन है ना वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना नंबर है, 10 है, 20 है, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया भी लिखा है, तो यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऐसे लिखेंगे। तो n को क्या लिखना है मुझे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वैसे ही ये n1 n2 क्या है, तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो n1 को लिखेंगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखिएगा इस बात को। और x1 x2 डिस्टेंस गिवन है, तो पूछा है कि ये d का क्या होगा डायमेंशन। तो कैपिटल N क्या बताया गया था, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो काउंटिंग है, 10 है, 20 है, पार्टिकल का काउंटिंग है, तो उसका कुछ डायमेंशन होगा नहीं, सो उसको m0 l0 t0 लिख दिए। और डिनोमिनेटर में एरिया है तो एरिया का एल स्क्वायर हो गया, और टाइम भी है डिनोमिनेटर में, पर यूनिट टाइम बोला था इसलिए टी भी डिवाइड कर दिया है यहाँ। तो अभी एन का, कैपिटल एन का डायमेंशन देखिए आ गया m0 l-2 t-1। अब स्मॉल एन के बारे में आइए बात करते हैं, स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का तो डायमेंशन नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम का एल क्यू हो जाएगा, इस तरह से स्मॉल एन का डायमेंशन आ गया l-3। अब इस फॉर्मूला को मैं रीअरेंज करूँगा, क्योंकि डी का डायमेंशन निकालना है, तो डी को एक साइड में रखे और बाकी टर्म को लेफ्ट साइड में लेकर चले गए, तो डी इक्वल टू इतना आया। अब n यहाँ पे ऑलरेडी हमने डायमेंशन निकाल के रखा है, ये n का डायमेंशन यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस n के जगह पर, और ये x2 माइनस x1 जो था उसका लेंथ है वो, तो लेंथ का सब्ट्रैक्शन लेंथ ही आएगा एक, तो l उसके जगह पर मैं लिखा डायमेंशन में। और नीचे क्या था, n2 माइनस n1, तो n का डायमेंशन आया है l-3, तो डिफरेंस इन n का भी आएगा l-3। इन सबको सिंप्लीफाई किए तो डायमेंशन d का इतना आ गया m0 l2 t-1, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया d m0 l2 t-1।